हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीक मैं और मेरी भाभी वैष्णोदेवी गए थे एंड हमने व्लॉग किया है। होप यू विल लाइक इट। हमारी जर्नी रात को स्टार्ट हुई थी और हमने दोरंतो ट्रेन ली थी वैष्णोदेवी जाने के लिए। हम लोग सुबह 10 बजे कटरा अपने होटल पहुंच गए थे एंड वहाँ का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था और उन्होंने हमें अर्ली चेक इन दे दिया था 10 बजे। कटरा से वैष्णो देवी जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक बाणगंगा वाला जो कि पुराना रास्ता है और एक अभी नया रास्ता बना है जो कि ताराकुट से है। हमने नया वाला रास्ता चूज़ किया था चढ़ाई के लिए। हमने 12:30 पे अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी थी ताराकोटे मार्ग से। वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए हमको एक यात्रा पर्ची लेनी पड़ती है, बट हम वो ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से पहले ही घर से अपना लेकर गए थे, जिस वजह से हमारा काफ़ी टाइम बच गया वहाँ पर। ये जो ताराकोटे वाला रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन है क्योंकि यहाँ पर घोड़े, खच्चर, पालकी इन सबको अलाउड नहीं है यहाँ से जाने के लिए। एंड ये रास्ता दोनों तरफ से कवर्ड है तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और ऊपर भी इसमें शेड है। इस रास्ते पे हर थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम्स थे और ईटिंग जॉइंट्स भी बने हुए थे जहाँ पर खाना अवेलेबल था। इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा क्लीनलीनेस थी और बहुत अच्छी ग्रीनरी वाला व्यू मेंटेन हो रहा था पूरे रास्ते में। हम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में अर्थवारी पहुँच गए। हमने अर्धकुंवारी से भवन जाने के लिए बैटरी कार सर्विस यूज़ करी जिसकी टिकट पर पर्सन 300 से 400 के बीच में कुछ थी। बैटरी कार्स के लिए बहुत लंबी लाइन थी बट लकीली वो हमें टिकट्स मिल गई थी। आप ऑनलाइन वो टिकट्स लेकर जा सकते हैं एंड वो हर 2 आवर्स के इंटरवल पे चलती है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन एक बार जब आप कार में बैठ जाएंगे उसके बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको भवन तक पहुंचने में। नेटवर्क भी आ रहे हैं। मिल गया फोन? अच्छी बात को नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिल रहा, अम्मा को, कमल भाई को मिला। हम भवन अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे पहुँचे थे और वहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी लोगों की माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि 6 से 8 बजे तक लोगों के दर्शन के लिए मंदिर के जो गेट्स होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि उधर पूजा होती है उस टाइम पर। वी आर डन विद आवर दर्शन, खत्म हो गया बहुत जल्दी 1 घंटे में। दर्शन के बाद हमने सागर रत्न में डिनर किया था। रात के शायद 9 बजे था, नीचे जाना है अभी पूरा, सुबह 3-4 बजेंगे, बैटरी कार्ड नहीं मिलेगी अभी।
इट्स ओके, वी विल डू इट. बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे, एकदम पास से, बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है दर्शन करने के बाद. बहुत अच्छा लग रहा है और एनर्जी भी है बॉडी के अंदर कि चलो नीचे उतर सकते हैं. आई एम जस्ट टॉकिंग कि हम बहुत एनर्जाइज फील कर रहे हैं कि अब हम नीचे खुद उतर सकते हैं बिना बैटरी रिक्शा के. वी आर फुल्ली चार्ज. और खाना खा लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा. खाने में सरप्राइज भी है. क्या सरप्राइज है? सागर रत्ना का खाना बहुत ही ज़्यादा लाइट, यम और टेस्टी था. हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया. फॉर्चुनेटली हमको बैटरी कार उतरते वक्त फिर से मिल गई थी और हमने देन पुराना रास्ता चूज़ किया. हमने स्टेयर केसेस लिए बहुत सारे नीचे उतरने के लिए एंड हम अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे में नीचे उतर गए थे ओवरऑल. एंड और नेक्स्ट हाफ आवर में हम अपने होटल पहुंच गए थे. रात को आके हम लोग सो गए थे एंड सुबह हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश उठे थे. पुच्ची तो दे दे एक पुच्ची. फॉर्चुनेटली हमने जहाँ जहाँ जो जो खाया वो बहुत ही ज़्यादा यम था एंड हमारा ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं आज, क्या करते हैं. हमारी रात की ट्रेन है जो कि अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई है. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. यहाँ एक PVR सिनेमास टाइप है तो वहाँ बाला लगी हुई है. जाके देखते हैं टिकट्स अवेलेबल है अभी अभी की नहीं है. अकॉर्डिंगली वी विल मूव फॉरवर्ड. फिर थोड़ा सा मार्केट भी घूमेंगे. ओके बाय बाय. हम दोनों ने AMR मल्टीप्लेक्स में बाला देखी थी एंड उसका जो कॉस्ट था वो अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 के बीच में था फॉर 2 persons. हम ही हैं जो नजरों को लुभाते हैं. आपकी सेल्फी के लिए लाइक्स हम ही तो लेके आते हैं. रिव्यू करेंगे अब. हमारी ट्रेन टिकट वो फाइनल नहीं हुई और जो नेक्स्ट ट्रेन हमको मिली थी वो रात को 11 बजे की थी तो हमारे पास और टाइम था तो हमने कटरा को एक्सप्लोर किया और ज़्यादा.
सेंसर बाजार कटरा तो नहीं है ना ये कटरा ये क्या पड़ता है अपना रियासी डिस्ट्रिक्ट कटरा से थोड़ा बाहर पड़ गया आपने कौन सा देखा पहले मोदी देखा हुआ है हाँ सीढ़ियाँ है ना यहाँ नीचे सीढ़ियाँ और नीचे वाटरफॉल भी है क्या था ये जगह का नाम कौन सा धनसर बाबा धनसर बाबा के जा रहे हैं अब हम बहुत सारे स्टेयर्स है काउंट तो हमें नहीं पता है बट बहुत सारी है बट नीचे जाके वर्थ वाइल होने वाला है एंड वैसे हमारे पैरों में अभी तो कोई दर्द हो नहीं रहा है बट हम अपने शूज होटल भूल आए हैं हेलो वी आर एट धनसर बाबा ये शिव जी का टेम्पल है और यहाँ पे जिसको नाग और नागिन दिखते हैं वो बहुत लकी होते हैं और हमें अभी तक नहीं दिख रहे हैं नाग नागिन ढूंढ रहे हैं ठीक है और यहाँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल वाटरफॉल है आयुरी दिखा दो वाटर मनाली की याद आ गई है हमें एंड कंगन भी हम आपको थोड़ा सा मिस कर रहे हैं नाउ वी आर एट नौदेवी मंदिर आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग सेकंड टाइम नौ देवी मंदिर में एक बहुत छोटी सी गुफा है जिसके अंदर माता वैष्णो देवी विराजमान है जिनके दर्शन करने के लिए लोग वहां जाते हैं हमने 2 घंटे में 3 से 4 मंदिर के दर्शन कर लिए थे एंड अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक हम वापस कटरा पहुंच गए थे उसके बाद हमने कटरा मेन मार्केट को एक्सप्लोर किया कुछ सामान खरीदा और अपने घर के लिए नेम प्लेट्स बनवाए रात को डिनर करने के बाद हम दोबारा अपने होटल चले गए एंड हमने अपना सामान पिक किया वहाँ से और रात के लिए स्नैक्स खरीदे और फिर हम ऑटो से कटरा रेलवे स्टेशन गए जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स लगे हमको एंड हो गया ट्रिप का साइनिंग ऑफ फ्रॉम कटरा दिल्ली में जाके मिलते हैं अमेजिंग बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग ट्रिप थी बिल्कुल थके हुए नहीं हम दोबारा चढ़ाई कर सकते हैं नेक्स्ट डे हम 10 बजे के अराउंड दिल्ली पहुंच गए थे ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल और रिफ्रेशिंग थी हम दोनों के लिए हमने बहुत मस्ती मारी बहुत इन्जॉय करा और बहुत बातें की
If you guys enjoyed watching my video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye.